हेलो एवरीवन, आइए आज एक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, जबकि हमारे पास ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। तो सबसे पहले फॉर्मेट ये हो गया, फॉर्मेट हमारा ये प्लस आइटम का कॉलम और ये माइनस आइटम का कॉलम, ठीक है। प्लस आइटम और माइनस आइटम, मतलब कि जिन अमाउंट्स को जोड़ा जाना है उसे इस कॉलम में लिखेंगे और जिन अमाउंट्स को घटाया जाना है उसे इस कॉलम में लिखेंगे। क्या बना रहे हैं हम लोग? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं? तो 31 मार्च 2022 को, एज ऑन 31 मार्च 2022 आइटम्स और, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेट। हम लोग अवेलेबल क्या है हमारे पास? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एक ही बात। तो लिख दिया यहां पे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है? 10,000 यहां पे लिख दिया हमने, 10,000। और अब ट्रीटमेंट क्या करना है भाई? जो ट्रीटमेंट कैश बुक के बैलेंस में, अगर बैलेंस पर कैश बुक या कहने का मतलब डेबिट बैलेंस पर कैश बुक है तो उसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा यहां पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब जो सारे आइटम्स बैलेंस पर कैश बुक में ऐड किए जाते हैं वो यहां पे डिडक्ट किए जाएंगे और जो वहां पे लेस किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं, वो यहां पर ऐड किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिख लिया हमने। अब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसे कैश बुक के बैलेंस में क्या करते हैं? बैलेंस पर कैश बुक रहता है तो इसे हम ऐड करते हैं, यहां पे हम डिडक्ट करेंगे। लेस चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को क्या करेंगे यहां पे? लेस करेंगे। कितना? 3,000। उसके बाद चेक इशूड, चेक फॉर रुपीज 5,000 इशूड, आउट ऑफ दोज ओनली चेक फॉर रुपीज 3,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी वही है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पर यहां पे निकालना पड़ेगा 5,000 का चेक इशू हुआ था लेकिन उसमें से 3,000 का चेक जो है पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ। तो कितने का चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ? तो भाई 5,000 में 3,000 प्रेजेंट हो गया था पेमेंट के लिए, तो बाकी बच गए 2,000। 2,000 का चेक जो है इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसे भी लेस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ पे इस तरह से दिखा देना है। टोटल इशू हुआ था कितने का चेक? 5,000 का। 5,000 में से 3,000 का चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गया था तो 3,000 को निकाल देते हैं, तो 2,000 का चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसे भी लेस करना है, तो लेस वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, चेक जो है कैश बुक में एंटर हो गया पर उसे बैंक नहीं भेजा गया तो इसे लेस करते, अगर कैश बुक का बैलेंस लेकर बनाते तो यहां पे ऐड करेंगे। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक,
कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, इसे क्या करना है, ऐड कर देना है। कितने का है, 2000 का, तो ऐड करेंगे तो प्लस वाले कॉलम में। उसके बाद चेक सेंड टू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, चेक बैंक हमने भेज दिया पर उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की हमने, तो इसे अगर कैश बुक का बैलेंस लेके चलते हैं तो क्या करते, ऐड करते, तो यहां पे इसे डिडक्ट करेंगे, लेस चेक सेंड टू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो क्या करेंगे, इसे लेस कर देना, चेक बैंक हमने भेजा लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की, तो इसे हम लेस करेंगे। कितने का है, 1500, लेस करेंगे तो माइनस वाले कॉलम में। उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक द्वारा इंटरेस्ट दिया गया हमारे खाते में क्रेडिट किया गया, तो इसे कैश बुक का बैलेंस लेकर बनाते तो ऐड करते, तो यहां पे क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितना है, 500 रुपये, ये 500 का हमने ये कर दिया, ठीक है। अगला, चेक इश्यू रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक जो है इश्यू किया था 500 रुपए का, उसकी एंट्री 2 बार कर दी गई कैश बुक में, मतलब 2 बार उसे घटा दिया गया, तो कैश बुक को सुधारने के लिए अगर बैलेंस पर कैश बुक लेके चलते तो क्या करते, 1 बार 500 जोड़ा जाता है ना, तो वहां जोड़ा जाता, तो यहां पे क्या करेंगे, उसका उल्टा घटाया जाएगा, तो लेस चेक इश्यूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, कितना भाई, तो 500, ठीक है, ₹400। अगला है आठवां एंट्री, ₹400 and ₹600 were two debit entries in passbook, but ₹400 has been reversed by the bank before 31st March 2022। 400 और 600 के दो डेबिट एंट्री थे पासबुक में, पासबुक में डेबिट होना मतलब घटना, तो ये 400 और 600 का दो डेबिट एंट्री था पासबुक में, लेकिन 400 वाला जो डेबिट एंट्री है उसका रिवर्स उल्टा कर दिया गया था, मतलब वो खत्म कर दिया गया था, 400 जो डेबिट किया गया था उसका रिवर्स करके, मतलब रिवर्स किया गया मतलब क्या किया, पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया करके उसे खत्म कर दिया गया, तो 400 वाला में तो कोई टेंशन नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है, 600 वाला तो है डेबिट एंट्री, तो 600 को क्या करते, अगर बैलेंस पर कैश बुक लेके चलते तो लेस करते, यहां पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, a debit entry for ₹600 in passbook, इसे ऐड करेंगे, कितने का हो गया भाई, 600 का ना, 600, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे टोटल करना है, टोटल करेंगे तो 10, 2, 12,000, 12,600 रुपये हो गया प्लस कॉलम वाला, और माइनस कॉलम वाला 3, 2, 5, 1, 6, 7,500, ठीक है। अब क्या है, जो ज्यादा वाला टोटल है, ज्यादा वाला टोटल 12,600 है, तो इसे ही दोनों कॉलम में लिखेंगे, और अब क्या करना है, यहाँ पे निकाल देना, प्लस कॉलम वाला ज्यादा है, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट में हिस्सा प्लस कॉलम वाला ज्यादा है, तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो ओवरड्राफ्ट आएगा, तो कितना ओवरड्राफ्ट होगा, तो भाई 100 रुपया और 5,000
100 का ओवरड्राफ्ट, ये हमने ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेकर कैश बुक लेकर चला है, तो हमारा जो निकलेगा आंसर वो निकलेगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या क्रेडिट सॉरी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। लिख देते हैं ओवरड्राफ्ट, यहां पे लिख देता हूं डेबिट एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया। और इसके आगे का जो वीडियो डालूंगा बिल्कुल इसी सवाल का, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेकर हम लोग बनाएंगे। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेकर बनाएंगे मतलब ये 5100 बिल्कुल इसी सवाल को लेके, तो हमारा आंसर ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक 10000 आना चाहिए। तो इसका एक अगला वीडियो होगा, उसे जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।